एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉलीवुड गलियारा। मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। बॉलीवुड गलियारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां बॉलीवुड की चर्चित चीजों पर बात की जाती है, चाहे वो फिल्म का ट्रेलर हो, टीजर हो या फिर बॉलीवुड में चल रहा घमासान हो। और इस बार जो घमासान है वो काफी ज्यादा संजीदा है। संजीदा इस वजह से क्योंकि बात करने वाले हैं हम श्रीदेवी की। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने वक्त में वो एक्टिंग का जलवा दिखाया जो बाकी सारी एक्ट्रेसेस नहीं करती थी। श्रीदेवी के देहांत को 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 साल बाद आज ये मुद्दा क्यों उठ चुका है? क्योंकि इस मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। बोनी कपूर जो कि श्रीदेवी के पति हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात की, उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसके बाद श्रीदेवी के निधन की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। जी हाँ, 5 साल बाद फैंस लगातार जानना चाहते थे। उन दिनों जब श्रीदेवी का निधन हुआ, उस वक्त भी सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन तक श्रीदेवी छाई थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर श्रीदेवी का निधन हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि नेचुरल डेथ तो ये थी नहीं, इसके पीछे का क्या कारण था फिलहाल उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन 5 साल बाद श्रीदेवी के निधन का असली कारण पता चला है। चलिए जानते हैं उनके निधन का असली कारण क्या। कुछ कहा है बोनी कपूर ने। सुपरस्टार श्रीदेवी का निधन किसी भी मायने में नेचुरल नहीं था, ये हर कोई जानता है, लेकिन आखिर निधन कैसे हुआ इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। 5 साल तक ये सच्चाई सभी से छुपी रही, लेकिन इस बार जो सच्चाई सामने आई है उसको सुनने के बाद अब ये पूरा केस साफ हो चुका है। 24 फरवरी साल 2018 को श्रीदेवी ने मुंबई से दूर दुबई में आखिरी सांस ली थी। उस वक्त वो एक शादी समारोह में गई थी, जहां पर भारत से दूर दुबई में श्रीदेवी ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन श्रीदेवी का निधन आखिर हुआ कैसे, निधन के पीछे की क्या है सच्चाई, इसके बारे में 5 साल बाद अब लोग काफी ज्यादा उत्साहित है जानने के लिए। और बोनी कपूर ने भी इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है। एक्ट्रेस की कैसे जान गई, कैसे 5 साल तक ये पूरा राज छुपा रहा और कैसे बोनी कपूर ने एक्ट्रेस के निधन का राज खोला है, आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। श्रीदेवी वो कलाकार थी जो कि पर्दे पर जब भी आती, हंसती, मुस्कुराती, गुदगुदाती, अपनी चुलबुले अंदाज को दिखाती, तो कभी ऑन स्क्रीन इन्होंने दर्शकों को रुलाया भी है। श्रीदेवी की हर अदाकारी पसंद थी, लोग उनके मुरीद थे। श्रीदेवी का निधन जब हुआ हर कोई स्तब्ध हो गया। श्रीदेवी के निधन के दौरान वो भारत में नहीं थी, वो एक शादी समारोह में गई थी और बेटी उस वक्त शूटिंग कर रही थी। लेकिन नसीब तो देखिए, शादी समारोह से वो वापस लौट नहीं पाई। कहा जाता है कि श्रीदेवी निधन के वक्त नशे में थी, उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था, कुछ कहते हैं कि शराब पी थी। कई बार इस बात के दावे किए गए। श्रीदेवी की मौत की जो वजह सामने आई, जो निधन की वजह सामने आई, वो काफी हिलाने वाली है। श्रीदेवी के निधन से जहां बोनी कपूर की आधी दुनिया ही सिमट गई थी, तो वहीं बच्चों के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों को लेकर के अब वो काफी खुश है। लेकिन श्रीदेवी की याद तो उन्हें हमेशा ही आती है। कई बार, कभी बर्थडे पर तो कभी एनिवर्सरी पर तो कभी यूं ही वो श्रीदेवी को याद करते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बोनी कपूर ने शेयर किया, जिसके बाद उनकी याद में वो कितने ज्यादा विचलित हैं ये लोगों को पता चला। इसी के साथ ही 5 साल बाद अब इस राज से पर्दा उठ गया है कि आखिर श्रीदेवी के साथ उस रात क्या हुआ था। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने खुद श्रीदेवी के निधन का कारण जग जाहिर किया और उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस का निधन नेचुरल नहीं था। फिल्म निर्माता बोनी कपूर, जिन्होंने पिछले 5 सालों से अपनी पत्नी और एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन पर चुप्पी बनाई रखी, अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात पर दावा किया है। फिल्म मेकर का कहना है कि ये स्वाभाविक निधन नहीं था, ये अचानक से हुआ निधन था। मैंने इसके बारे में कभी बोलने का फैसला लिया ही नहीं, क्योंकि मुझ पर जांच चल रही थी, पूछताछ की जा रही थी। मैं लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बात कर रहा था।
दरअसल अधिकारियों ने कहा था कि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया दबाव बना रही है, फैंस दबाव बना रहे हैं, चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कोई भी बेबानी ना हो, और ऐसा ही हुआ। श्रीदेवी की जांच की गई लेकिन कोई कातिल नहीं मिला क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। ये सभी टेस्ट से बोनी कपूर गुजर रहे थे जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट या अन्य चीजें शामिल थी। फिर निसंदेह ही जो रिपोर्ट सामने आई वो सभी के सामने स्पष्ट थी कि जो निधन हुआ है वो आकस्मिक है। अब बातचीत के दौरान निधन के समय वाली श्रीदेवी की जो हालत थी उसके बारे में बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी हमेशा से ही डाइट करती थी, वो अक्सर भूखी रहती थी, वो अच्छी दिखना चाहती थी, वो हमेशा से चाहती थी कि वो स्क्रीन पर अच्छी दिखे, जवान दिखे। इसी वजह से बोनी कपूर आगे कहते हैं कि जब उनकी मेरे साथ शादी हुई तो मौके पर उन्हें ब्लैकआउट की समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो की वजह से समस्या हो रही है। बोनी कपूर ने आगे कहा कि नागार्जुन ने एक ऐसी ही घटना के बारे में बात की थी जब एक शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बाथरूम में बेहोश होकर के गिर गई थी। उन्होंने कहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में जब उनका निधन हो गया तो नागार्जुन ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए जब घर आए तो बोनी कपूर को ये तमाम बातें बताई कि कैसे फिल्म के दौरान एक बार पहले भी क्रैश डाइटिंग की वजह से श्रीदेवी का ऐसा हाल हुआ था और वो बाथरूम में गिर गई थी, उनका दांत भी टूट गया था। यानी कि पहली बार नहीं था कि श्रीदेवी बाथरूम में गिरी हूँ, दुबई में गिरने से पहले भी ऐसा हादसा हो चुका था लेकिन वहाँ श्रीदेवी बाल बाल बच गई। फिल्म मेकर ने आगे बताया कि शादी के बाद उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट पालन करने की आदत है, इसके बारे में पता चला, इसलिए वो अपने डॉक्टर से उन्हें कुछ नमक शामिल करने की सलाह देते रहते थे। उन्होंने कहा कि रात के खाने के दौरान भी वो नमक रहित खाना ही खाती थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से एक्ट्रेस ने इस गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और सोचा नहीं होगा कि इस घटना की ये हद हो सकती है। डाइट की वजह से कहीं ना कहीं श्रीदेवी को ब्लैकआउट की समस्या हुई और यही उनके निधन का कारण बन गई। इस रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी चीज़ की अति करना किसी के लिए भी बुरा है, किसी के लिए भी दर्दनाक है। श्रीदेवी की आज जिस हालत में निधन की खबर सामने आई है इससे वो तमाम लोग जो डाइट करते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो सुनिए आपने बोनी कपूर की बात, ये सुनने के बाद हर किसी को हैरानी हुई है आखिर बोनी कपूर ने इतने सालों तक इस बात को क्यों छिपाया। बोनी कपूर की इस बात को सुनने के बाद उस वक्त की तस्वीर साफ हो चुकी है जब श्रीदेवी का निधन हुआ था। कहा यह जा रहा था कि श्रीदेवी का निधन ड्रग्स की वजह से हुआ है, कुछ का कहना था कि श्रीदेवी नींद में थी इस वजह से उनका निधन हुआ और स्विमिंग पूल में वो बेहोशी की वजह से गिर गई। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आई है। इस सच्चाई को सुनने के बाद हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर श्रीदेवी एक बार फिर से ट्रेंड कर रही है। फिलहाल इस सच्चाई पर, इस खुलासे पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे नेक्स्ट माय लाइफ।